हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो डेंसुक अल्टरनेटर होता है उसका जो रूटर होता है हम कैसे चेक करते हैं और उसको कैसे अल्टरनेटर से खोल के बाहर निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये ऊपर से मैंने खोल ही रखा है, रूटर निकालना और चेक करना है, बताना है कि एसी वोल्टेज से हम कैसे इसको चेक करें। तो इसमें चार वोल्ट होते हैं, 8 नंबर के, एक ये और एक ये, 4 वोल्ट हो गए। हम इस 4 वोल्ट को खोलते हैं। ये इसका ऊपर का कटोरा खुल गया है, ठीक है। देखिए ये इस पर स्प्रिंग है बैरिंग के ऊपर, ये बैरिंग है, ये दोनों कॉम्बिनेटर है, ठीक है। और ये आपका स्टेटर है, इसमें 4 तारों वाला स्टेटर होता है। ये इसका कॉम्बिनेटर हो गया, अंदर में रूटर है, अब हम इसको चेक करेंगे कि अर्थ है, क्रॉस है या ठीक है, कैसे है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने सीरीज कर दिए चालू, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट हैं इसके रूटर के, एक ये और एक ये, ये देखिए। हम इसको लगाते हैं, ये अर्थ नहीं है, ये काम कर रहा है बिल्कुल। ये देखिए, जब ये काम करेगा, इसमें खासियत है, ये यही होती है रूटर में, जब हम इसको एसी वोल्टेज से चेक करते हैं तो बढ़िया तरीके से चेक होता है। पूरी जो कॉइल होती है अंदर, उसकी अच्छी तरह करंट जाके पूरा अच्छी तरह से चेक कर देता है, इसलिए हम सीरीज से चेक करते हैं। तो एक पॉइंट ये लगाया, एक पॉइंट ये लगाया, और देखिए अब ये घूम घूम की आवाज़ आ रही है, देख रही है आपको, सुन रही है ना। तो ये क्या है कि हमारा अल्टरनेटर, न सॉरी रूटर ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेट बना रहा है।
अगर यह बल्ब नहीं जलता तो हमारी कॉइल शॉर्ट थी, या वो बॉडी से अर्थ है, जैसे अब ये है, ये देखिए, ये हमारा शॉर्ट भी नहीं है, ये हमारा काम भी ठीक कर रहा है। तो ये इसका बेस्ट तरीका है चेक करने का, और कोई तरीका नहीं है। इसमें दो पॉइंट होते हैं, अंदर एक कॉइल होती है रूटर में, दो पॉइंट उसके निकाल दिए जाते हैं, एक पॉइंट पे ये लग जाता है, एक पॉइंट पे ये लग जाता है। जब हम दोनों को टच करते हैं ऐसे, तो पूरी कॉइल के अंदर कण जाता है एसी, और जब एसी कण जाता है तो वो मैग्नेट बनाती है, मैग्नेट बनाती है जो इसके अंदर चारों तरफ जो बॉडी होती है उसको मैग्नेट करती है, उसको फील्ड करती है ये रोटर, तब वो आवाज़ निकाल रहा है घूम घूम।